तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि जो लियो मूवी है उसका टीज़र रिलीज़ हो चुका है यूट्यूब पर, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, लोगों के काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं। और वैसे थलपति विजय की मूवी है तो यार, मतलब मूवी में पॉजिटिव कमेंट्स और वो तो मैटर ही नहीं करते यार। अगर थलपति विजय की जो है कि मूवी में एंट्री ही बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि अपने यहाँ पे सलमान खान की होती है। तो गाइज, जैसे कि आपको पता ही है कि जो लियो मूवी है अब वो 2023 में अक्टूबर में रिलीज़ होने जा रही है। 19 अक्टूबर को मूवी रिलीज़ होने वाली है। मूवी का बजट है 110 करोड़। और बात करें इस मूवी में सबसे बड़े जो है कि एक मिशनरी जो है कि कंसेप्ट की, जिसमें कि हमें विजय के साथ साथ जो है कि लोकेश कंगराज और उनके साथ साथ संजय दत्त जो है कि अहम किरदार में नज़र आएंगे। और वहीं काफ़ी लोगों का सवाल था कि क्या जो है कि इस मूवी में जो है कि बहुत ही बड़े एक्टर जो अभी फेमस हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने कि अभी महावीरन जैसी बहुत बड़ी मूवी बनाई है और जिनका नाम है शिवा कार्तिकेयन, क्या वो भी इस मूवी में नज़र आएंगे? तो जी हाँ गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए बताने चाहता हूँ कि उनका जो है कि इस मूवी में कैमियो नज़र आएगा। और उन्होंने अभी काफ़ी अच्छी बड़ी मूवी करी है और महावीरन नाम से, तो वो मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई है और वो काफ़ी मतलब अच्छा उनके लिए एक पॉजिटिव्स निकल के आ रहा है। और वो लियो मूवी में भी काम करेंगे तो यार ये तो मतलब विजय सेतुपति के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ होगी। तो गाइज देखते हैं गाइज आप बाद में क्या होता है और क्या क्या रहते हैं करेक्टर्स। वैसे लियो मूवी मेरी फेवरेट मूवी होने वाली है, क्योंकि विजय सेतुपति की मूवी में मतलब जो भी मूवी आती है वो मेरी फेवरेट हो जाती है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो गाइज़ आपको क्या लगता है कि जो लियो मूवी है वो आगे आने वाले टाइम में एक विजय सेतुपति की एक और ब्लॉकबस्टर बनेगी या नहीं, आप अपने रिकमेंड में ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू गाइज़।